प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 1600 प्लस के प्रोडक्ट्स हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि हमारी डाइली वीड्स में जो मोदी के से प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं उसको यूज करने से हमारा हेल्थ वेल्थ और उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट मोदी केयर प्रोडक्ट रेंज, दिस प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू टू गेट थ्रू आजादी। जैसे कि हम सब जानते हैं हम यहाँ पे परिवर्तन अपने लाइफ को अपनी लाइफ में एक अच्छे से परिवर्तन और हमारी आजादी फ्रीडम, आजादी मतलब फ्रीडम लाइफ जीना चाहते हैं। तो इस प्रोडक्ट को यूज करते करते हम सेल्फीज बनेंगे और शेयर करेंगे और स्पॉन्सर करके यही डुप्लीकेशन हमारी टीम में करने से हमें आजादी मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं। 14 प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। नंबर वन है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेज, ऑटो केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, लाइफस्टाइल, ज्वेलरी, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, एसएम वॉचेस, डिवाइंस। तो सबसे पहले जो न्यूट्रिशन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है उसको देख लेते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड, इसको ब्रीफ में समझाना है। नहीं नहीं जस्ट स्लाइड्स को ही समझना। पावर स्टार्ट, फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट, फ्लोराइड टूथपेस्ट विद द फ्रेश फ्रेश मिंट एसपीए, स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट। एसपीए का फुल फॉर्म है स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट एंड लिक्विड यूटिल। मैम दिस यस वाइथोलिन प्रीमियम टूथपेस्ट विद द स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट दैट हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग फॉर्मेशंस ऑफ द टार्ट। टार्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारे दांतों पे एक पीली सी परत जम जाती है उसको बोलते हैं टार्ट एंड कैविटी, यानी कि हमारे दांतों में जो कीड़ बनता है, कुछ भी ब्लीडिंग आती है तो वो एक कैविटी होती है। आइडियल ऑफ रिफॉर्मिंग रिमूविंग स्टेन, जिससे हमारे दांतों में जो गंदगी होती है उसको रिमूव करता है, हमारे दांतों को पॉलिश करता है। एनिमल एंड फाइट द बैड ब्रीड, जो हमारे एनिमल है उसको ठीक रखता है, फाइट बैड ब्रीड। जैसे कि हम जब भी हमारी स्माइल से ही सब पहचाने जाते हैं, तो हम किसी को अपोजिट बात करते हैं तो क्या करते हैं, एक अच्छी सी स्माइल, हाय हेलो कैसे हो जी, तब बात करते हैं तो हमारे दांतों में जो चमक होती है, जो हमारी बात की बदबू होती है, बात जब हम करते हैं तो हमारी बदबू निकलती है, एक स्मेल आती है, तो वो स्मेल को भी अवॉइड करता है। फ्रेश मूवमेंट जेल टूथपेस्ट विद द फ्रेशनेस स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स कैसे हैं, जैसे कि हमारे पुदीना, पुदीना क्या होता है मिंट, जो भी थोड़ा सा एक पत्ता भी हम मुंह में डाल लेंगे ना तो वो फ्रेशनेस बहुत अच्छे से देता है, खुशबू भी देता है। इससे बना हुआ हमारा मोदी केयर का फ्रेश मोमेंट जेल टूथपेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हमारे दांतों को क्लीन करता है। और जैसे बाहर की मार्केट की प्रोडक्ट है क्लोजअप, पेप्सोडेंट, इस टाइप की, वो जेल बेस में आता है, तो ये भी हमारा मोदी केयर का जेल बेस का है, ये फ्रेशनेस रखता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड, पावर स्टार्ट, पावर स्टार्ट में जैसे कि दो पेस्ट हम देख चुके हैं, ये थर्ड वन आके फ्रेश मोमेंट हर्बल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। जैसे हर्बल आयुर्वेदिक टूथपेस्ट बाहर मार्केट की आप सबको पता है, मिसवॉक हो गया, दंत मंजन हो गया, दंत कांति हो गया, पतंजलि हो गया, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट हैं मार्केट की, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं जो हमारा मोदी केयर का है। उसमें गुडनेस ऑफ लॉन्ग, लॉन्ग क्या करता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, नीम और हमारी वो जो कड़वाहट जाके हमारे दांतों में जमती है तो बैक्टीरिया बदबू को निकालता है। बबूल, मिसवाक, तुलसी, पुदीना, वज्रदंती, मुलेथी एंड अदर एसेंशियल हर्ब दैट प्रिवेंट ए कैविटी ऑफ फ्लॉज, फाइट टूथ डीके, प्रमोट्स हेल्दी गम्स एंड फ्रेशनेस ब्रीथ। ये इतने सारे हमारे दांतों में जब मसाज करता है हमारा ब्रश, तो हमारे दांतों को हेल्दी बनाता है, कैविटी से प्रोटेक्ट करता है, बदबू को भी निकालता है। जिसको दांतों की प्रॉब्लम होती है हमेशा रहती है तो उनको ये दो पेस्ट हम सजेस्ट करते हैं। नॉर्मल वाला कोलगेट का आता है तो उसमें क्या आता है, सेंसिटिव, कोलगेट सेंसिटिव आता है ना, तो पेन आउट भी आता है कोलगेट के नाम से, वो वाले सेंसोडाइन आता है। तो ये सब क्या है, कैविटी को प्रिवेंट करने के लिए, दांतों में दर्द के लिए, हम जब भी दांत में दर्द आता है वो वाले टूथपेस्ट यूज करते हैं।
तो ये सब स्टॉप करके हम मार्केट की केमिकल बेस हम ये यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक ही काम करता है कैविटी का। तो हम जब भी किसी को प्रोस्पेक्ट करते हैं तो वहां पे हम हर रेंज की हर एक प्रोडक्ट अपने हाथ में पकड़कर बोल सकते हैं कि ये किस किस के लिए यूज आता है। तो जो टूथपेस्ट होता है वो टूथपेस्ट में हम क्या है, बाहर के टूथपेस्ट में निकोटीन होता है, निकोटीन नाम का एक जो प्रोडक्ट है उसमें मिलाया गया है, वो 10 सीक्रेट पीने के बराबर है। जब भी हम बच्चों को क्या करते हैं, पेस्ट हाथ में पकड़ा देते हैं, लो बेटा ब्रश करो पेस्ट करो, हम एक मिनट वेट करते हैं अर्षया जी का। एक्चुअली नेटवर्क इशू आता है कभी कभी। अर्षय जी मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि अर्षया जी ने हमें बताया, हमारे पास टूथपेस्ट की 4 रेंज है जो हम किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं जब उनके प्रोडक्ट लिस्ट हम बनवाते हैं। तो बशर्ते कि आपको अगर ये पता होगा कि हमारे पास 4 तरह के फ्रेश मूवमेंट्स हैं जो अलग अलग लोग जैसे जैसे प्रेफर करते हैं उनको ऐसे वैसे एडवाइस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रश, टूथपेस्ट के लिए ब्रश करने के लिए हमें टूथब्रश भी चाहिए। तो हमारे पास मोदी केयर जो लेके आए, 2 तरह के हमारे टूथब्रश हैं, एक 4-in-1 में है यानी फैमिली पैक है, और एक है हमारा 3-in-1 टूथब्रश। उसमें क्या है, 3-in-1 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि टूथब्रश का काम करता है, टंग क्लीनर का काम करता है, गम मसाजर भी है, और यहाँ पे जो ब्रिसल्स हैं इसके क्रॉस जिगजैग उसमें है जो कि आपकी ब्रिसल्स पावरफुल है, और साथ ही साथ पावर टिप्स जो उसकी दी हुई हैं, टिप्स जो देखेंगे आप लोग वहाँ ना पावर टिप्स हैं, और फ्लेक्सिबल इसकी नेक है कि इजीली कहीं भी आपके मुंह में अगर आप ब्रश करते हैं इजीली दांतों के कोने कोने में पहुंच कर वो आपके दांतों की अच्छी तरह से सफाई करता है। साथ ही साथ फ्रेश मूवमेंट के हमारे पास टूथब्रश है फैमिली पैक स्पेशली डिजाइन फॉर डीप क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स। ये स्पेशली डिजाइन किए गए हैं हमारी डीप क्लीनिंग के लिए, और बताना चाहूंगी कि ये फैमिली पैक है, तो मतलब एक बार अगर लेते हैं इसमें 4 ब्रश आते हैं, और आपकी फैमिली जैसे अगर 4 मेंबर, जैसे अर्षया जी ने हमें बताया था कि उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं तो वो यही पैक प्रेफर करती हैं क्योंकि हमेशा यूज होता है। तो ये हमारा फैमिली पैक है। यस, आगे अर्षया जी कंटिन्यू करेंगी। पावर स्टार्ट फोटे का पावर ग्रीन टी है जो कि इसमें 25 टी बैग्स आती हैं। तो पर डे हम 750 ml वाटर लेके अच्छे से बॉईल करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, बॉईल करने के बाद जब पानी अच्छे से गर्म हो जाता है टी बैग डाल के ढक देंगे, तो वो स्टीम होके जो भी एक्सट्रैक्ट होता है कम्प्लीटली उसमें डिसॉल्व होके हमें एक अच्छे से ग्रीन टी मिल जाएगी जो हमें पर डे हेल्दी वेट लॉस कॉन्सेंट्रेट बहुत अच्छे से करता है। जब भी हम ग्रीन टी लेते हैं ना, दूसरी बाहर की ग्रीन टी लेते हैं तो उसमें केमिकल बेस या फिर कुछ मिला हुआ रहता है, लेकिन इसमें प्योर एंड नेचुरल है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो ग्रीन टी है ना बहुत अच्छा है, इसमें हमें पावर देता है, पर डे हम स्ट्रेंथन अप रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे एक्टिव रहते हैं ना, 2 साल से 5-10 साल के अंदर के बच्चे
भाग दौड़ करते रहते हैं, इस तरह हम पर डे एक्टिव रहते हैं, हमारा मूड फ्रेश होता है, हमारे मूड साइंस बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें ये वेट लॉस में रिलीव स्ट्रेस, जैसे कि हम कभी कभी घर के परेशानी से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो स्ट्रेस होने लगते हैं, तो ये स्ट्रेस को भी रिमूव करता है। कंट्रोल बीपी, बीपी शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, जिसके घर में फैमिली मेंबर्स एल्डर्स हैं तो उनको जरूर सजेस्ट कीजिए और उनको दीजिए। अगर वो ना भी पी रहे ना, थोड़ा मुस्कुराते हुए समझाते हुए उनको एक कप ग्रीन टी दीजिए, मामूली सी जो चाय दूध वाली बनती है उसको अवॉइड कीजिए, इससे बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि बच्चे जैसे रहते हैं वैसे बूढ़े होने के बाद भी हम वैसे बच्चों जैसे रिएक्शंस होते हैं, चिड़चिड़ाना, रोना, जिद करना, ऐसी चीजें होती हैं, तो आफ्टर 60 ये होता है एल्डर्स के साथ, तो उनको ये ग्रीन टी देने से क्या होता है, वो भी हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे, उनको स्ट्रेस रिलीफ होगा, उनकी बीपी कंट्रोल रहेगी, शुगर कंट्रोल रहेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फोर्टेका 100% प्योर कॉफी इंस्टेंट, ये आप किस किस के लिए यूज करते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि आपका फेस पैक बनता है, फेस के लिए यूज कर सकते हैं, बॉडी स्क्रब, फेस पैक में क्या यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा 1 टीस्पून लेके, इंस्टेंट है ये तो, इसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पाउडर्ड रहती है, ये नहीं कि हमारा फेस को जैसे कि स्क्रब टाइप नहीं रहती है, पाउडर फॉर्म में रहती है, तो इंस्टेंट भी है, ब्लेंडेड भी है। इंस्टेंट वाली कॉफी क्या काम करती है, बॉडी का स्क्रब हम करते हैं तो बॉडी पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फेस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसका स्किन टैन रहता है, एल्बो टैन रहते हैं, नेक टैन रहता है, वहां पे हम दूध में मिला के ऑयल स्किन के लिए क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा जूस, कुकुम्बर जूस, पोटैटो जूस ऐसे डाल के मिक्स करके हम अच्छे से स्क्रब करेंगे शावर लेने से 1-10 मिनट पहले, तो उसको छोड़ देंगे, वहां से जो ब्लैकनेस है उसको रिमूव करता है। कॉफी बहुत अच्छा है, सेलेक्ट फ्रॉम अरेबिका एंड रोबस्टा, तो ये बहुत अच्छी है, प्योर कॉफी है। बाहर की कॉफी जो आती है, ब्रू आती है, बहुत सारे ब्रांड हैं, उस ब्रांड से भी हमारे मोदी केयर की ब्रांड बहुत अच्छी है। ये कॉफी डेली आप अपने नीड में ले सकते हैं, दिन में एक बार जिसको दूध या चाय कुछ पीने की आदत है, चाय को स्किप करके ये भी ले सकते हैं, दिन में एक बार लेना बहुत अच्छा है कॉफी को। फोर्टेका सीटीसी एंड लॉन्ग लीफ टी जो होती है, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, तो इसमें रिच अरोमा, रिफ्रेशिंग द टेस्ट एंड नेचुरल फ्लेवर टी, तो जिसको चाय की बहुत आदत है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये वाली चाय बहुत अच्छी से सूट होगी। और इसमें एक छोटा पैक भी है 99 वाला, वो 250 ग्राम का है, तो वो भी अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। इन चाय पत्तियों में आप अच्छे से वाटर को बॉईल करके उसके बाद में दूध डालकर मसाले वाली चाय बना सकते हैं, प्लेन टी बना सकते हैं, या इलायची वाली चाय भी बनाकर दे सकते हैं। जब भी आप किसी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं ना, चाय हमारी मोदी केयर की बनाइए, कॉफी हमारी मोदी केयर की बनाइए, जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, डाइट पे रहते हैं, उनको ग्रीन टी दीजिए, वो भी पीकर उनका मूड साइन अच्छा होने पर फिर बोलते हैं, मैं वहां गई थी, सुमेरा जी ने या फिर सुष्मिता जी ने या फिर उर्मिला मैम ने वो बना के दिया था, वो बहुत अच्छी है, कहाँ से ली पूछते हैं, फिर वो आपसे बाय भी करेंगे, एज ए कंज्यूमर बनेंगे और उसके बाद रिटेलर भी बन सकते हैं, आपके बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मोदी केयर एनवायरो चिप पावर स्टार्ट पे, हाँ, और हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोई कोई बोलता है मोदी केयर में है क्या, मोदी केयर में सब कुछ है जो हमारी डेली नीड का है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोते ही आंख खुलने से पहले मोबाइल को ढूंढते हैं, है ना, मोबाइल को ढूंढते हैं, देखते हैं किसका मैसेज आया है, क्या है, किसने क्या स्टेटस रखा है, आजकल किसका स्टेटस क्या है, स्टेटस क्या होता है, हमारी हैसियत पता चलती है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी अर्ली मॉर्निंग होती है तो पावर स्टार्ट में जो हम यूज कर सकते हैं वो यूज करते हुए एक छोटा सा PDF टाइप या फिर एक छोटा सा वीडियो या फिर छोटा सा एक स्क्रीनशॉट, कुछ भी, आप चाय पी रहे हो, एक मोदी केयर का बॉक्स रख लो और कप रख दो, अपनी फोटो उसके खींच के स्टेटस पे लगा देना, खुद कोई ना कोई देखता है ये क्या कर रही है, तो हमारे पावर स्टार्ट का जो डेली नीड होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटस भी रख सकते हैं। मोदी केयर का एनवायरो चिप न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द मोबाइल फोन्स एंड द लैपटॉप एंड वाईफाई रोटर। हमारे वाईफाई रोटर पे, हमारे मोबाइल में ये क्यों जरूरी है मैं बताती हूँ। मेरे घर में 4 मोबाइल है, 4 मेंबर्स तो 4 मोबाइल हैं, सबके पास मैंने लगा रखा है, और मेरे घर में एनवायरो ग्लोब भी है,
आप देख सकते हैं, जब भी आपका मोबाइल थोड़ा गर्म होता है ना, उसकी एक यूनिक पॉइंट बताऊंगी। कैमरे से दो फिंगर, टू फिंगर के नीचे सेंटर पॉइंट में लगाएंगे, और ये जो चिप है उसको लगाने के बाद जब हम दिन भर बात करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उसके बाद हमारा मोबाइल थोड़ा गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद इस पे एक छोटी सी लेयर आती है, उस लेयर को निकाल दे। निकालने के बाद ये थोड़ा स्टिफ बैठते हैं, वरना किसी किसी के मोबाइल में क्या होता है, बिठाने के बाद यहाँ पे सिर्फ चिप के प्लेस में क्या शेप बन जाता है चिप का, वो शेप नहीं बनेगा, आपका कैप भी अच्छा रहेगा और मोबाइल भी सेफ हो जाएगा। तो उसपे एक लेयर आती है, वो लेयर जब भी आपका मोबाइल गर्म लगता है तो वहां पे वो देखकर निकाल लीजिए। 720 का MRP है, डिस्काउंट आके 699 है, आपको 120 rupees हर चिप से डिस्काउंट मिलेंगे, बाय टू वन फ्री। आज मेरे कस्टमर को मैंने ऑर्डर किया था, कल मैंने इसकी आईडी लगाई थी, सबसे पहले मैंने उनको सजेस्ट किया, आप रेट भी देख सकते हो 720। तो खत्म होएगा वो आधे घंटे की है, लेने से, ये दो लेने से एक फ्री है। सबसे पहले हम क्या 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 करें इनको, जैसे मॉर्निंग में डाउन टू डस्क, अब वो पूछते हैं कि हमें क्या करना है, क्या लगाना है, क्या लेना है, तो सबसे पहले आप मोदी केयर की चिप सजेस्ट लेंगे, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे चिप के बारे में और उनका जो हाथ में दर्द होना, माइग्रेन प्रॉब्लम आना, बॉडी में कुछ भी होना, स्ट्रेस फील होना और स्ट्रेस नहीं रिलीव हो रहा है, ये चिप डालने के बाद उनको कुछ ना कुछ हेल्प होगा। वो हेल्प होने के बाद आप उनको नेक्स्ट क्या सजेस्ट कर सकते हैं, मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब। जो एनवायरो ग्लोब मेरे पास है, ये बहुत इजीली आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके यूनिक पॉइंट्स क्या है, ये चार्ज, इसको चार्ज रखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम मोबाइल को 24 आवर में क्या करते हैं, जब भी चार्जिंग होते हैं जल्दी चार्ज लगाओ वरना मेरा फोन ऑफ हो जाएगा, स्टेटस नहीं हो अटेंड कर पाएंगे, या फिर हम मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे। ये आप धूप में 5 to 10 minutes चार्ज करेंगे तो ये अच्छे से चार्ज हो जाएगा, या फिर हम दिन में लाइट यूज करते हैं ना, वो तो जलता रहता है, वो लाइट के आगे हम ऐसे रख देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्वर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, ये जो हमारे सराउंडिंग में टावर्स होते हैं, उस टावर की रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है, कंप्लीटली हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बाहर के ही 1 month 2 month के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इजिली कैरी कर सकते हैं। पावर स्टार्ट में नेक्स्ट क्या आता है, सॉफ्ट वॉश व्हाइट सोप, सॉफ्ट वॉश ग्लिसरीन एंड हनी सोप। आइए इन दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये जेंटल क्लेंजिंग बार एनरिश विद द ग्लिसरीन दैट मॉइस्चराइज एंड हनी दैट नरिश द स्किन। जिसका ऑयली स्किन होता है आप इनको ये सजेस्ट कीजिए, और विंटर में भी बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन में क्या होता है, बहुत ज्यादा नोज पॉइंट पे, टी जोन पे होता है और चिक जोन पे होता है, तो ऑयली स्किन वाले अगर ये यूज करते हैं तो उनको क्या होता है, उनकी मॉइस्चराइजर को ऑयल बेस को निकालता है, मॉइस्चर करता है, नरेश करता है, प्रिवेंट स्किन नेचुरल बैलेंस। जब भी हमारा स्किन ड्राई होने लगता है तो भी बैलेंस करता है, ज्यादा ऑयली बन जाता है तो भी बैलेंस करता है, ये बहुत अच्छे से हमारे स्किन को बैलेंस करके सूट करता है। ये आप सबके फॉर ऑल स्किन टाइप है, लेकिन समर में और सॉरी विंटर में और ऑयली स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है। सॉफ्ट वॉश व्हाइट पर्ल सोप, जेंटल क्लेंजिंग सोप ऑफर ट्रिपल बेनिफिट्स ऑफ द मॉइस्चराइजिंग डिओड्राइज एंड प्रोटेक्शन स्किन। जैसे हम मार्केट में क्या करते हैं, एक सोप लेते हैं, कौन सा, डव, जो हीरोइन एड दिखाती है वो डव सोप, देख के हम भी गोरे होना चाहते हैं तो हम क्या लाते हैं, डव सोप। क्या होता है उसमें, डिओड्राइज, डिओड्राइज क्या होता है, खुशबू होती है, डिओ, एक खुशबू की वजह से हम क्या करते हैं, मार्केट वाला डव सोप लाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉइस्चराइजिंग के लिए क्या करते हैं, जैसे कि लिरिल हो गया, ग्लिसरीन वाला सोप हो गया, वैसे वाले लाते हैं, तो वो संतूर, मैसूर सैंडल वगैरह बहुत कंपनी के ब्रांड है, तो उस ब्रांड में क्या है, ये वाले आते हैं। तो नेक्स्ट बेनिफिट्स, प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, डेटॉल वाला सोप, नीम वाला सोप, बहुत सारे हर्बल, हिमालया है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट को लाते हैं। तो तीनों का कितना हो गया, एक 47 हो गया, एक 30 हो गया, एक 40 हो गया, इस तरह से हमारा ज्यादा होता है अमाउंट। लेकिन हमारे मोदी केयर में एक ही बॉक्स में 4 आते हैं, तो इसका 3 in 1 बेनिफिट है,
जिसको भी जिस तरह से हमारे बॉडी का बदबू को निकालता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारी गंदगी को हटा के हमें मॉइस्चराइजर करता है, जस्ट इन 215 रुपीज। अगर आप डीपी प्राइस देखेंगे तो 133 हमें कितने का पड़ा, 30 रुपीज से 26 रुपीज पड़ा। तो 26 का बेहतर है या 47 का बेहतर है, उसने हमें कुछ नहीं दिया। यहाँ पे हमें पीवी मिलता है, बीवी मिलता है और पर कंटेंट आके वो क्या है, 75 ग्राम का है। मैम नेक्स्ट पावर स्टार्ट में आइए देखते हैं कितने टाइप के सोप हैं। कोई बोलते हैं कि हमें वो ब्रांड पसंद है, हमें ये ब्रांड पसंद है, लिरिल लाइम सोप। सॉफ्ट वॉश में देखते मैं एक 5 की भी कैटेगरी आपको समझा देती हूँ। जैसे एंटीबैक्टीरियल सॉफ्ट वॉश है तो वो डेटॉल हो गया, सॉफ्ट वॉश एलोवेरा है तो बाहर का एलोवेरा सोप आता है, सॉफ्ट वॉश सैंडल मैसूर सैंडल हो गया, सॉफ्ट वॉश लाइम जैसे कि कौन सा है, लाइम और ऑरेंज दोनों आके लिरिल, हाँ लिरिल वाला है। तो वो क्या करते हैं, हम अलग अलग से उठा के लाते हैं, ना तो उसमें हमें बेनिफिट मिलती है ना हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। तो ये किस तरह से यूज करते कर सकते हैं, जो हमारे मोदी केयर का बॉडी पफ है वो निलोन से बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट और हमें सफल रखता है। और हमें क्या करना है, सोप को लेके इस पफ को अच्छे से 2 बार रगड़ेंगे, सोप को बाजू रख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गीला करके बॉडी पे स्क्रब करेंगे। डायरेक्ट कभी भी कोई भी सोप हम बॉडी पे नहीं डालेंगे, क्यों, जो हमारे बॉडी की स्किन होती है वहां पे छोटे सेल्स रहते हैं, हेयर के सेल, उस सेल्स पे क्या होता है, जाके साबुन की लेयर बैठ जाती है। तो बाहर के सोप से हमारे सोप में बहुत डिफरेंट है। जब हम डायरेक्ट भी यूज करते हैं ना तो भी हमारे बॉडी पे एक व्हाइट लेयर या फिर पैचेस नहीं बैठता, बॉडी फुल बॉडी पे आप स्क्रब करोगे भी तो भी नहीं बैठता। तो ये हमें लॉन्ग लास्टिंग, कोई कोई रहता है हम वहां का सोप लाते हैं तो 3 महीने चलता है, आपका सोप घट गया गल गया, लेकिन हमारे सोप में ये घटना गलना नहीं है। आप उसको अच्छे से एक बार लगड़ कर बाजू रख के अच्छे से स्क्रब करेंगे ना, फुल बॉडी पे फोम बेस आएगा, अच्छे से मसाज करके 2 मिनट या 1 मिनट जैसे हम छोड़ते हैं, उसके बाद नहाने से बहुत अच्छे से सॉफ्टनेस आएगी, जो भी हमारे स्किन पे डेड स्किन रहेगी वो रिमूव होगी, मार्क रिमूव हो जाएंगे, स्ट्रेस मार्क्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। बहुत अच्छे सोप हैं, इसके सारे सोप को मैंने यूज करके रिजल्ट बोला है। मैम नेक्स्ट पावर स्टार्ट में आइए, सॉफ्ट वॉश 3-in-1 हैंड वॉश शावर जेल एंड बबल बाथ। शावर जेल हैंड वॉश, जैसे हम बाहर से आते हैं हाथ धोने का करते हैं, तो छोटा सा पी साइज से भी एक ही ड्रॉप काफी है। बबल बाथ जैसे कि हम हाथ में डाल के हाथ धोएंगे ना, धोते ही रह जाएंगे, उतना फॉर्म बेस आता है। तो नेक्स्ट शावर जेल, शावर जेल कैसे, जैसे मैंने बोला था बॉडी पफ है एसेंशियल का, उसमें एक पंप डालेंगे ना तो फुल बॉडी हमें शावर हो सकता है। बबल बाथ छोटे बच्चों को, 0 साइज, जैसे पैदा होने के बच्चे से लेकर बूढ़े तक भी हम ये बबल बाथ कर सकते हैं, ये बहुत सेफ है, विथ एंटी बैक्टीरियल फॉर्मूला अवेलेबल इन 3 वेरियंट्स। तो 3 वेरियंट्स में है, कौन सा, एक लाइम एप्पल स्ट्रॉबेरी, मैंने तीनों को यूज किया है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्मेल और टेक्सचर डिफरेंट है, प्रोडक्ट एक ही है। एसेंशियल बॉडी पफ एक्सफोलिएटिंग, जैसे कि हम क्या करते हैं आंख पे बॉडी पे पफ क्यों डालते हैं, हमारे जो डेड स्किन होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए। जो बाहर का आता है वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन हमारे मोदी केयर का जो है क्लंस अल्ट्रा सॉफ्ट बॉडी पफ, एक बार आप इस्तेमाल करेंगे 2.5 साल 3 साल भी आ जाएगा, जो जितना छोटा लग रहा है वो हम पानी में डालकर यूज करने के बाद थोड़ा वो फूलेगा और बहुत अच्छे से है और सॉफ्ट भी, उसके जैसे टूथपेस्ट के ब्रश के ब्रिजल्स आते हैं ना, इस तरह की ये सॉफ्ट नेट है। एसेंशियल हैंड एंड बॉडी लोशन, हैंड एंड बॉडी लोशन 3 टाइप के हैं, एक 3 टाइप के हैं, एक आके हैंड एंड बॉडी लोशन, जैसे पैम्पर योर स्किन लाइक विथ स्किन विथ नॉन ग्रीजी फॉर्मूला फॉर द ग्लिसरीन एंड हनी दैट लीव्स योर स्किन सॉफ्ट एंड रिविटलाइज्ड। सो क्या करते हैं, ये जो है ना इसमें ग्लिसरीन है, जिसको ऑयली स्किन होता है, मैंने पहले भी बताया था ऑयली स्किन वालों को बहुत अच्छे से सूट होता है। हनी एंड ग्लिसरीन क्या करता है, हमारे बॉडी पे जो
डेड स्किन होती है, बाहर जब जाते हैं पॉल्यूशन होता है, कुछ भी धूल मिट्टी आके रहती है, तो वो एक लेयर बनाता है उसके ऊपर, ये हमें आने नहीं देता. हमारी स्किन पे जब हैंड एंड बॉडी लोशन आफ्टर शावर डेली हम यूज करते हैं तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी लेयर, हमारे स्किन की फर्स्ट लेयर को प्रोटेक्ट करके जो भी डस्ट होता है उस पर रहता है, फिर हमें नहाने के बाद निकल जाता है. इसमें तीन है, एक वाइटामिन का है और तीसरा आके थर्ड वन जी वन एलोवेरा का है. हाँ एलोवेरा का. यस मैम राइट मैम. नेक्स्ट हाँ अलप्योर का एलोवेरा का है. यस मैम यू आर राइट. पावर स्टार्ट अलप्योर हैंड सैनिटाइजर विद द रिफ्रेशिंग फ्रेगनेंस. इसमें भी एक हैंड एंड बॉडी लोशन है, मैम ने बताया था. ये सिर्फ सैनिटाइज का नहीं, हमारी हैंड एंड बॉडी लोशन का भी काम करता है. इंस्टेंट हैंड सैनिटाइजर दैट किल्स 99.9% जर्म्स विदाउट द यूज ऑफ वाटर फॉर्मुलेटेड विद एथिल अल्कोहल 76.0% V&V हाई अल्कोहल कंटेंट हेल्प इन द प्रोटेक्शन यू एंड योर फैमिली. अवेलेबल इन थ्री फ्रेग्रेंस एलोवेरा मोरिंगा. ओके एलोवेरा और मोरिंगा. किसी को एलोवेरा की स्मेल अच्छी नहीं लगती, किसी को मोरिंगा की स्मेल अच्छी नहीं लगती. क्या करते हैं, बाहर का हम हैंड एंड बॉडी लोशन लाते हैं, निविया का लाते हैं और बहुत सारे ब्रांड है, उसमें क्या होता है आपको नहीं पता, लेकिन आप लाते हैं खुशबू के लिए. क्या करते हैं आप लगा लेते हैं, हाथ पे भी डाल लेते हैं, बॉडी पे भी डाल लेते हैं, लेकिन वो आपको नहीं पता कि वो क्या इफेक्ट करता है. लेकिन जो हमारा एलोवेरा है हमारे स्किन को इवन टोन रखता है. जब भी हम बाहर जाते हैं ना, एलोवेरा एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है. जब भी हम एलोवेरा जूस हमारे बॉडी केयर का या फिर एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा सैनिटाइजर यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को सॉफ्ट रखता है, टैन नहीं होने देता और प्रोटेक्ट करता है. मोरिंगा क्या करता है, मोरिंगा को लगाने से हमारे ऊपर जो चींटियां हो गई, एंट्स और क्या मस्किटोस, कुछ भी आके आपको काट नहीं सकते. वो उसकी एक स्मेल होती है, उसकी स्मेल की वजह से आपके आसपास अगर आप बाहर भी है ना तो वो आकर आपको नहीं काटेंगे. आपको जैसे डायरिया, मलेरिया, निमोनिया ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आती. इतने अच्छे अलप्योर के सैनिटाइजर हैं और अलप्योर जर्म प्रोटेक्शन वाइप्स. देखिए हम बाहर जा रहे हैं तो ये लेना भूल गए तो एक वाइप रखकर हम हाथों को पोंछ कर अपने चेहरे को भी पोंछ कर सट सकते हैं. प्रोटेक्ट यू फ्रॉम 99.9% जर्म विद गुडनेस ऑफ नीम लेमन एंड एलोवेरा. तो इसमें भी क्या है, नीम जो है सिट्रिक है, एलोवेरा हमारे बॉडी को सॉफ्ट एंड सफल रखता है, प्रोटेक्ट करता है, और नीम हमारे जो भी हमारे इंसेक्ट्स हमें काटने की कोशिश करते हैं उसको अवॉइड करता है. मैम नेक्स्ट पावर स्टार्ट. दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट. मैं इसको डेली यूज करती हूँ आफ्टर शावर. वेट हेयर पे क्या करेंगे, दो बूंद मोरक्को का अर्गन ऑयल जो है ना, दो बूंद लगा के ऐसे से अच्छे से स्कैल्प पे नहीं डालेंगे, सिर्फ बालों को ऐसे लगाकर छोड़ देंगे तो ये क्या होंगे, सिल्क और शाइनी लगेंगे. मोरक्को अर्गन ऑयल शैम्पू कंडीशनर और ऑयल, ये तीनों को आप किसको सजेस्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा लो कॉस्ट या फिर नहीं हमें एक ही रेंज में चाहिए, एक ही पैकेज में चाहिए. हम बोलते हैं ना किसी का हेयर फॉल है तो सलोन का हेयर फॉल शैम्पू ले लो, सलोन वाला कंडीशनर ले लो, टी ट्री ऑयल ले लो, ऐसे. तो इसमें ये सारा पैकेज आ जाएगा. मोरक्को का ऑर्गन ऑयल रेंज जो है आप बाहर की देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑयल सीरम है ना, वो सीरम क्या करता है, 1800 या फिर 2800 की रेंज में मिलता है, लेकिन हमारे मोदी केयर में 750 रुपीज में मिलता है. ये आपको 6 महीने तक आएगा. आफ्टर शावर नहाने के बाद गीले बालों में दो बूंद डालेंगे, सारे बालों को ऐसे लगाकर छोड़ देंगे, फिर आप इसको कूम करेंगे. आपको नॉन स्टिकी भी लगेगा और आपको अच्छे से नरिश भी देगा, आपके बाल बहुत अच्छे लगने लगेंगे. शैम्पू एंड कंडीशनर आप शैम्पू करेंगे जैसे 1 स्पून या फिर 5 ml. आपको तो पता है आप कितना शैम्पू लेते हैं,
डिपेंड अपॉन ऑफ योर लेंथ हेयर, आपके कितने लेंथ है वो देखकर आप पानी में डिल्यूट करेंगे. डाइल्यूट करने से क्या होता है, हमारा शैम्पू डायरेक्ट स्कैल्प पे जाता है, किसी को सूट होता है किसी को नहीं सूट है, नहीं सूट होता है, लेकिन हमारे मोदी केयर का अच्छे से सूट होता है. फिर भी मैं रेकमेंड करूंगी कि हम थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके अच्छे से मसाज करेंगे, फिर उसको झाग आनेंगे, फॉर्म बेस बनने के बाद पानी से अच्छे से रिंस करेंगे. रिंस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के बालों को हम कंडीशनर लगाएंगे. शैम्पू कंडीशनर बहुत जरूरी है, एज ए ब्यूटिशियन सजेस्ट करूंगी सबको आफ्टर शैम्पू कंडीशनर करना जरूरी है. हमारे हेयर स्प्लिटेड नहीं करेंगे और हमारे हेयर में ग्रोथ अच्छी होगी और हमारे हेयर प्रोटेक्ट होंगे, बाहर के डस्ट पॉल्यूशन से हम प्रोटेक्ट होंगे. द लेग्स मैम बस है. पावर स्टार्ट सैलोन प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला, देखिए मैंने बोला था सैलोन प्रोफेशनल एडवांस फार्मूला में कितने सारे रेंज हैं, बहुत हैं. स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है, हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू है, डैंड्रफ केयर शैम्पू है, रेडियंट शाइन, जिसको शाइनिंग कोई बोलता है कि मेरे बाल झाड़ू जैसे हैं, शाइनिंग नहीं है, रफ है, टूट रहे हैं, तो उनको हेयर शाइन वाला कंडीशनर भी देंगे तो क्या होगा, शैम्पू विथ कंडीशनर उनके बाल अच्छे होंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा, फिर वो आपके पास कंटिन्यू लगातार परचेज करेंगे. नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल, नरिश एंड शाइन हेयर ऑयल जो है वो भी जैसे हम बाहर का लिवॉन, आप तो एडवर्टाइज में देखते होंगे लिवॉन दो बूंद लगाने से वो दिखाती है कि उसके बाल शाइनी हो गए, स्मूथ हो गए, चिक नहीं है, बहुत अच्छे से फ्लॉलेस हेयर हो गए, तो इस तरह का ये काम करता है हमारे सैलोन प्रोफेशनल ऑयल शैम्पू. इतने काम करते हैं. एवरी डे इज ए सैलोन डे. सैलोन डे मतलब हम क्या करते हैं, महीने में एक बार जाके मैं सैलोन जा रही हूँ, हेयर स्पा करा रही हूँ, हेड वॉश करा रही हूँ, मेरे हेयर को कंडीशनिंग दे रही हूँ, मेरे हेयर को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, ये सब आप घर पे कर सकते हैं. मैम नेक्स्ट पावर स्टार्ट में और पावर स्टार्ट में और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारे मेंस के लिए बहुत ही स्पेशली डिजाइन किए हुए प्रोडक्ट वायलेसिटी मेन ट्विन ब्लेड प्लस रेडी रेजर. इसमें क्या है, ट्विन ब्लेड है, दो ब्लेड आती हैं ट्विजर के साथ, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट रखती है, रफनेस नहीं बनाती हमारे स्किन को. एलोवेरा का जो बेस है उसपे वो स्ट्रिप, उसको विटामिन ई और एलोवेरा से बना है, तो हमारे जो शेव करने के बाद स्मूथ एंड सपल बनाती है. हमारे घर में, हमारे फैमिली में भाई हैं, देवर हैं, ससुर हैं, हस्बैंड हैं, जो शेव करते हैं उनको ये रेकमेंड कर सकते हैं. वेलेसिटी प्रीमियम शेविंग क्रीम आफ्टर शेव, ये शेविंग क्रीम जैसे हम आफ्टर क्या करते हैं, दाढ़ी को भिगोने के बाद थोड़ा सा शेव क्रीम लेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने ब्रश के साथ या फिर अपने फिंगर से अप्लाई करके जो हमारा रेजर है वो यूज कर सकते हैं. ये दोनों को खत्म करने के बाद वॉश करते ही आप क्या करेंगे, 2 मिनट्स गैप देके ये वाला एलोवेरा का स्प्लैश आता है. क्या है ये आफ्टर शेव स्प्लैश क्यों है, जैसे कि इसमें क्या है, मस्क, लेवेंडर, सिट्रिक, ये तीनों हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे है. आप किसी को देख सकते हैं, कोई आदमी व्हाइट रहता है, जो शेप का स्पेस होता है ब्लैक हो चुका होता है, क्योंकि वो रेज करता है, रेजर की वजह से ब्लेड वहां पे घिस घिस के ब्लैक हो जाता है, टैन हो जाता है, पिंपल्स आने लगते हैं. अगर कोई जाके कटिंग शॉप में करा रहा है तो दूसरों की स्किन का, उनको उनकी स्किन का, इनको इन्फेक्शन भी होता है. हमारे जेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, घर पे रिकमेंड करेंगे तो वो सेफ भी रहेगा, स्किन भी हेल्दी रहेगी और ये रिफ्रेशेस ऑफ ऑल डे लॉन्ग. इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके हम जहाँ वो शेव करते हैं तो वहां पे लगाकर छोड़ देंगे. मैम नेक्स्ट पावर स्टार्ट में और क्या ऐड कर सकते हैं, कोई बोलता है मेरी दाढ़ी छोटी है, छोटी दाढ़ी है, नहीं बढ़ रही है, तो उनको हम लगाने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं. और लेडीज के लिए भी एक इसमें बहुत अच्छा है, ये क्या कैसे, ठीक है, हमारे आईब्रोज हैं, ग्रोथ नहीं है, एक बर्ड्स पे लीजिए, थोड़ा सा सोते टाइम आप उसको शेप अप करके लगा लीजिए. लैश है, लैश को भी आप थोड़ा सा लेके ऐसे लगाकर सो जाइए, देखना आपके आईब्रोज और आपके लैश बहुत अच्छे से ग्रोथ होंगे और हमारे मेंस के ब्रीड भी ग्रोथ अच्छे से आएगी. तो ये ब्रीड ऑयल जो है
7 नरिशिंग ऑयल से स्पेशली फॉर्मुलेटेड बूस्ट ब्रीड हेयर ऑयल व्हाइल मेकिंग फेशियल हेयर हेल्दी एंड नरिश्ड। और हमारे आईब्रो भी हेल्दी होंगे, हमारे लैश भी हेल्दी होंगे, और हमारे जो फैमिली के जेंट्स हैं उनको भी बेड जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है और अच्छे से हेयर भी ग्रोथ होती है। वेलोसिटी क्लेंजर फेस वॉश, ये क्या काम करता है? ये सिर्फ क्लेंजर नहीं है, आपकी डस्ट डर्ट पॉल्यूशन हर चीज को क्लीन से डीपली डेडली कंप्लीटली रिमूव करता है। बाहर से जो भी मेंस बाहर अंदर आते हैं तो सबसे पहले हम उनको ये वाला फेस वॉश रेकमेंड करेंगे। ऑयल क्लेंजर, ऑयल क्लियर, मतलब ये 3-in-1 का काम करता है। कैसे कैसे? जैसे हम बाहर से आते हैं उनकी थकान को मिटाता है, एकदम रिफ्रेश करता है, और उसके साथ उनके जो स्वेट होते हैं, पॉल्यूशन होता है, उस सबको हटा के उनको एक फ्रेश सरफेस देता है। नेक्स्ट अर्शिया जी, इतना ही, मीटिंग एंड होने वाली है, टाइम ओवर हो चुका है, आपकी ट्रेनिंग तो